हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो पहले पार्ट में हमने देखा था इमल्शन, और अब सेकंड पार्ट में थेरीज ऑफ इमल्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द इमल्शन देखने वाले हैं। तो थेरीज ऑफ इमल्शन में क्या होता है? तो थेरीज ऑफ इमल्शन में ये फोर टाइप्स आते हैं। फर्स्ट थेरी है मोनोमोलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी, सेकेंड है मल्टी मोलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी, थर्ड है सॉलिड पार्टिकल एब्सॉर्प्शन थेरी, और फोर्थ है फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो थेरीज ऑफ इमल्शन क्यों करते हैं, पहले ये कंसेप्ट देख लेते हैं। तो थेरीज ऑफ इमल्शन में क्या होता है, हमको मोनोमोलिकुलर और मल्टी मोलिकुलर ये बोथ टेक्निक यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि फ्लॉक्युलेशन, कोहेलेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ इमल्शन होता है। मतलब क्या है कि इमल्शन जो है हमारा, वो क्या है, कम्प्लीटली अनस्टेबल है। पार्टिकल्स एग्रीगेट हो रहे हैं, केक फॉर्मुलेशन होता है नीचे से, तो और क्या होता है, पार्टिकल ऑल्सो प्रिवेंट करता है ब्रेकिंग। इस वजह से मल्टी मोलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी यूज़ करते हैं। तो देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक इमल्शन है, तो डिस्पर्शन फेस क्या करता है, डिस्पर्स मीडियम में अच्छे से मिक्स नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, केक का फॉर्मुलेशन होता है। मतलब ऑयल जो है वो क्या करता है, वाटर के साथ अच्छे से मिक्सअप नहीं होता है। इस वजह से क्या होता है, कोएलसेंस होता है, ब्रेकिंग होता है, फ्लॉक्युलेशन होता है। ठीक है, तो इसको मिक्स करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, सर्फैक्टेंट या इमल्सिफाइंग एजेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो अब देखो, फॉर एग्जाम्पल हमने सर्फैक्टेंट यूज़ किया, तो सर्फैक्टेंट में ये हेड और ये टेल है। तो हेड क्या होता है, पोलर होता है, और टेल क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो पोलर क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक ऑयल का पार्टिकल लिया, और ऑयल के पार्टिकल के बाद सारे टेल इसमें जुड़ गए। ओके, टेल जोड़ने के बाद टेल क्या है, नॉन पोलर है, और ऊपर क्या है, वाटर। तो जो हेड है वो तो नॉन पोलर होता है, इसलिए सारे वाटर के पार्टिकल नॉन पोलर के साथ जुड़ गए। मतलब क्या करता है, सर्फैक्टेंट वाटर एंड ऑयल को क्या करता है, मिक्सअप करने में बहुत आसानी से यूज़ किया जाता है। तो इसे मैं यही बताया है कि मल्टी मोलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी और मोनोमोलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी यूज़ करते हैं कि कोवेलेंसेंस, ब्रेकिंग, फ्लॉकुलेशन, पार्टिकल साइज अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम को स्टॉप करने। तो अब हम देखते हैं मोनोमोलिकुलर और मल्टी मोलिकुलर में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो मोनोमोलिकुलर में क्या होता है, जो पार्टिकल साइज होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल साइज, वो सिंगल लेयर में ही फॉर्म होते हैं। ओके, और मल्टी मोलिकुलर में क्या होता है, मल्टी मोलिकुलर में स्मॉल स्मॉल पार्टिकल साइज जॉइन टुगेदर एंड कवर द डिस्पर्स पार्टिकल एंड मेक अ मल्टी मोलिकुलर फिल्म। मतलब छोटे से पार्टिकल उसमें डिस्पर्स फेज में और अटैच होके क्या होता है, मल्टी लेयर फॉर्म होता है। मतलब मल्टी मोलिकुलर में मल्टी लेयर फॉर्म होता है, और मोनोमोलिकुलर में एक सिंगल लेयर फॉर्म होता है। तो थेरी भी देख लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द इमर्शन, द ऑयल बाय वाटर ड्रॉपलेट गेट डिस्पर्स इन टू द कंटिन्यूस फेज एंड पार्टिकल इज एटोमाइज। मतलब ऑयल एंड वाटर जो ड्रॉपलेट होता है, वो कंटिन्यूस फेज में जाके डिस्पर्स होता है। ड्यू टू द स्मॉल पार्टिकल साइज, सरफेस एरिया इंक्रीज विच फर्दर इंक्रीज द सरफेस फ्री एनर्जी देयर सिस्टम बिकॉज अनस्टेबल। मतलब स्मॉल पार्टिकल साइज क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, और ऑल्सो इंक्रीज क्या होता है, सरफेस फ्री एनर्जी होती है। उसकी वजह से हमारा जो इमल्शन है वो अनस्टेबल होता है। टू सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, एड अ सर्फेक्टेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट टू रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन। मतलब हम सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट हमेशा सरफेस टेंशन को कम करता है, इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करता है। तो इसका यही सोल्यूशन होगा कि हम सर्फेक्टेंट एंड इमल्सिफाइंग एजेंट इमल्शन में ऐड करें, और ऑयल और वाटर को अच्छे से डिस्पर्स मीडियम से डिस्पर्शन मीडियम में अच्छे से मिक्स करें। ओके, तो यही दोनों का बेसिक कंसेप्ट था। मल्टी मोलिकुलर में भी देख लेते हैं। मल्टी मोलिकुलर एंड मोनोमोलिकुलर, दिस बोथ आर यूज टू स्टॉप द फ्लॉक्युलेशन ऑफ द कोएलसेंस टू प्रिवेंट द ब्रेकिंग एंड इमल्शन। ठीक है, मैकेनिज्म, इमल्सिफाइंग एजेंट, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल जॉइन टुगेदर एंड कवर द डिस्पर्स पार्टिकल। मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जॉइन टुगेदर हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और एक डिस्पर्स पार्टिकल का कवर कर लेते हैं, उस मतलब मल्टी लेयर फॉर्म कर लेते हैं। इस वजह से इसको मल्टी मोलिकुलर फिल्म बोलते हैं।
सॉलिड पार्ट सो थर्ड टाइप इज सॉलिड पार्टिकल एब्सॉर्प्शन थ्योरी। तो ये भी देखते हैं, एड सॉलिड इमल्सिफाइंग एजेंट इन इमर्शन विच इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ इमर्शन। मतलब क्या है, हमको क्या करना है, इमर्शन का विस्कोसिटी, उसका थिकनेस बढ़ाना है। ओके, तो इस वजह से हम इमल्सिफाइंग एजेंट सॉलिड के उसमें ऐड कर देते हैं और विस्कोसिटी क्या करता है, इंक्रीज करते हैं। तो डिक्रीज द सेडिमेंटेशन और क्रैकिंग। तो क्यों हम विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जो सेडिमेंटेशन होता है, मतलब पार्टिकल्स होते हैं, वो नीचे जाते हैं और यहाँ पर केक का फॉर्मुलेशन करते हैं। तो उसका जो पार्टिकल नीचे जाते हैं, तब उसका जो स्पीड है उसको ही कहते हैं सेडिमेंटेशन रेट। एंड क्रैकिंग मतलब क्रैक्स आ जाते हैं एंड प्रिवेंट द कोएलेसेंस, मतलब ग्लोब्यूल्स छोटे छोटे पार्टिकल बन के एक बड़ा पार्टिकल होता है, वो नहीं बनना चाहिए। इस वजह से हम सॉलिड एब्सॉर्प्शन थ्योरी यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, कोलाइडर क्ले इज द एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड पार्टिकल एब्सॉर्प्शन थ्योरी। तो अब हम देखते हैं 4 पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ओके, तो इमर्शन में क्या होता है, ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं और ऑयल ड्रॉपलेट में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ चार्ज होते हैं। ओके, तो फॉर एग्जांपल ऑयल ड्रॉपलेट प्रिवेंट द कैरियर पॉजिटिव चार्ज एंड एब्सॉर्ब द नेगेटिव चार्ज एंड एब्सॉर्ब द पॉजिटिव चार्ज। मतलब ऑयल का जो ड्रॉपलेट है वो प्रिवेंट कर रहा है कैरी करने के लिए नेगेटिव चार्ज और एब्सॉर्ब क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस ऑयल ड्रॉपलेट प्रोड्यूस अ रिपल्शन फोर्स इनटू ईच अदर, दे रिमेन द सस्पेक्टेड। मतलब ऑयल ड्रॉपलेट क्या हो रहा है, रिपल्शन फोर्स मतलब अपोज कर रहा है ऑयल ड्रॉपलेट, एक ऑयल ड्रॉपलेट दूसरे ऑयल ड्रॉपलेट से। ओके, टू प्रिवेंट द कोएलेसेंस एंड ब्रेकिंग ऑफ द इमर्शन। तो उस वजह से क्या होगा, वो आपस में मिलेंगे ही नहीं, और मिलेंगे नहीं, उस नहीं मिलेंगे तो क्या होगा कि केक फॉर्मेशन नहीं होगा, कोहेलेसेंस एंड ब्रेकिंग नहीं होगा। तो इसी वजह से फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डबल लेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देखा, थेरीज देखी, थेरीज ऑफ द इमर्शन, मोनो मॉलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी, मल्टी मॉलिकुलर एब्सॉर्प्शन थेरी, सॉलिड पार्टिकल एंड फॉर्मुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ये चार ही अच्छे से हमने थेरीज पढ़ ली है। आप ये नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लेना, मतलब पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा क्लिक हो जाएगा कि हाँ एग्जाम में भी आप अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ द इमर्शन। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द इमर्शन में कौन से मेथड्स है वो पहले मेंशन करती हूँ। फर्स्ट वन इज द ड्राई गम मेथड, सेकेंड वन इज द वेट गम मेथड, एंड ये दो मेथड है और बॉटल मेथड है, क्या बॉटल मेथड। तो तीन मेथड इसमें होगा। सो फर्स्ट वन इज मेथड ड्राई गम मेथड। ओके, ड्राई गम मेथड में क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल हमने मोर्टार पिस्टल ले लिया, तो ड्राई गम मेथड डब्ल्यू बाय ओ टाइप ऑफ इमल्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यू बाय ओ, तो ड्राई मतलब आप पहले ड्राई है तो हम क्या डालेंगे, फॉर एग्जांपल एक पेड है वो ड्राई हो रहा है तो हम वाटर डालेंगे। तो ड्राई गम मेथड में डब्ल्यू स्टार्टिंग में, डब्ल्यू बाय ओ टाइप ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो हमने ये मोर्टार पेस्टल ले लिया, मोर्टार पेस्टल में क्या करना है, हमको गम ऐड करना है, गम ऐड टू गम। ओके, एड गम टू इट टू ट्रिचुरेट इट एंड विन एड सम पार्ट ऑफ द ऑयल एंड ट्रिचुरेट। मतलब हमने गम डाल दिया, गम डाला पहले, गम डालने के बाद उसको ट्रिचुरेट किया अच्छे से, फिर सम पार्ट ऑफ द ऑयल, फिर से ऑयल डाला, गम डाला, ऑयल डाला, और अगेन एड सम मोर ऑयल, मतलब ऑयल जितना लगेगा उतना हमको डालना है, और ट्रिचुरेट अंटिल रिसीव द क्लिकिंग साउंड। मतलब जब हम ट्रिचुरेट करेंगे तो ऑयल एंड गम हमको अच्छे से मिक्स करना है, जब तक क्लिक क्लिक ऐसा आवाज़ नहीं आता तब तक। देन ऐड वाटर बाय पार्ट विथ ट्रिचुरेशन, मतलब ये ट्रिचुरेशन करते टाइम हमको एक स्लरी टाइप बनाना होगा, तो इसके लिए हमको वाटर भी उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। नाउ मेक अप द वॉल्यूम एंड विथ बल्क फेज, बाद में जो वॉल्यूम है वो हमको मेकअप करना है। तो ऑयल 4:1 में लेना है, गम 1:1 में लेना है, और W 2:1 में लेना है, मैंने 4:1:2, ये रेशो बहुत बार पूछा गया है तो याद रख ला। पहले हमने क्या देख लिया, ये मेथड W बाय O टाइप ऑफ इमर्शन के लिए है। बाद में हमने एक मोर्टार पेस्टल ले लिया, उसके बाद गम ऐड किया, गम ऐड करने के बाद
अगेन उसको ट्रिचुरेट किया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, और जितना ऑयल लगेगा उतना थोड़ा थोड़ा करके डालना है। बाद में क्लिक क्लिक ऐसा साउंड आने तक हमको वो ट्रिचुरेट करना है, और वाटर ऐड करना है ट्रिचुरेशन के बाद, और उसका रेशो क्या होगा, 4:1:2। तो दिस इज द सिंपल ड्राई गम मेथड। नेक्स्ट मेथड है वेट गम मेथड। तो वेट गम मेथड आपने देखा ड्राई गम मेथड WIO टाइप ऑफ इमल्शन के लिए था, ये इसके अपोजिट है OBW टाइप ऑफ इमल्शन। तो फिर से हमको एक मोटर पेस्टल लेना है, मोटर पेस्टल में गम ऐड करना है। तो देखो यहाँ पर हमने जो गम ऐड किया था वो ड्राई फॉर्म में था, क्योंकि ड्राई गम मेथड, ओके ड्राई गम। और यहाँ पर वेट गम में तो हमको जो गम इमल्सिफाइंग एजेंट लेना है वो वेट होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले मोटर पेस्टल लिया, उसमें गम डाला, एड सम वाटर टू ग्रम ट्रिचुरेट विथ मोर वाटर एंड म्यूसिजिलियस फॉर्म। मतलब हमने गम डाला और थोड़ा थोड़ा वाटर डाला गम में, और क्या किया, ऐसा ट्रिचुरेट किया अगेन एंड अगेन, एंड मोर वाटर अंटिल द म्यूसिजिलियस फॉर्म। मतलब एक थिक स्लरी होने तक हमको अच्छे से उसको क्या करना है, ट्रिचुरेट करना है वाटर और गम को। देन ऐड ऑयल स्लोली स्लोली ट्रिचुरेशन, और उसमें थोड़ा 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 ऑयल डालना है और अगेन ट्रिचुरेट करना है। नाउ मेक अप दी वॉल्यूम विथ बल्क फेज, और हमको बल्क फेज तक होने तक अच्छे से वॉल्यूम को वेकअप करना है। तो यहाँ पर हमने सेम एज अ फर्स्ट रेशो, मतलब 4:1:2 है, ओके। तो यहाँ पर अगेन हमने ऑयल का रेशो क्या होगा, 4 होगा, गम का रेशो 1 होगा, और W का रेशो 2 होगा। मतलब ऑयल हमने 4 ग्राम ले लिया, उसमें गम 1 ग्राम डाल दिया, और वाटर 2 ml ले लिया, ऐसा रेशो होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आया, इन शॉर्ट वेट गम मेथड OBW टाइप ऑफ इमर्शन के लिए होता है। मोटर पेस्टल लेने के बाद गम ऐड करना है लिक्विड फॉर्म में, उसको ट्रिचुरेट करना है, ट्रिचुरेट करने के बाद वाटर ऐड करना है एक म्यूसिलजियस फॉर्म में होने तक, बाद में स्लोली 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 अगेन ट्रिचुरेट करना है और वॉल्यूम को वेकअप करना है, सिंपल। तो नेक्स्ट मेथड है बोटल मेथड। तो बोटल मेथड में सिंपली क्या किया जाता है, ऑयल और वाटर डाला जाता है और शेक किया जाता है। पर ये नॉर्मल हमने स्मॉल स्केल लाइब्रेरी में ऐसे हाथ से कर सकते हैं, पर जब लार्ज स्केल में यूज़ किया जाता है बड़े बड़े कंपनियों में, तो इसमें एक प्रोपेलर ऐड किया जाता है जो कि अच्छे से मिक्सअप करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, तो ये बेसिक सिंपल था बॉटल मेथड में, इसको फोप्स मेथड भी बोला जाता है। इन दिस मेथड वी यूज टू प्रिपेयर द इमल्शन। जो इमल्शन होता है वो क्या होता है, वोलाटाइल सब्सटेंस या ऑयल होता है, और उसका जो विस्कोसिटी होता है वो वेरी लो होता है, ओके। तो वन पार्ट ऑफ गम ऐड किया, क्यों कभी वन पार्ट ऑफ पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एकेशिया लिया और वो ड्राई बॉटल में, ये बोतल में हमने डाला, मतलब एकेशिया लिया बोतल में डाला, टू पार्ट्स ऑफ द ऑयल उसमें डाला, मतलब 1 ग्राम पाउडर डाला तो 2 ml उसमें ऑयल डाला बोतल में, और शेक किया अच्छे से आफ्टर द कैपिंग, मतलब अच्छे से शेक वेल किया एंड डायल्यूट विद द प्रॉपर वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मतलब जो अकॉर्डिंग हमने वेकअप करना होता है वाटर का, उसमें जितना लिखा है उतना वॉल्यूम वाटर का ऐड करना है। तो ये सिंपल मेथड था, आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको अगला टॉपिक में कौन से वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना, डेफिनेटली आई मेक इट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।